हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। फ्री वीडियो एडिटिंग का कोर्स सिखाने वाला हूँ, ठीक है, जो कि मैंने आप वो भी वंडर शेयर वीडियो एडिटर के ज़रिए, जो कि मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि बेस्ट सॉफ्टवेयर है वीडियो एडिटिंग के लिए, और मैंने कहा था कि मैं आपको वीडियो एडिटिंग भी सिखाऊंगा इसमें। तो सबसे पहले आप वीडियो देखते देखते मेरा चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ये ज़रूरी है आपके लिए कि इसमें आपको डेली टेकी वीडियोस मैं अपलोड करते रहता हूँ, आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा, आपके लिए इन्फॉर्मेशन इसमें आती रहेंगी। तो ये देखिए, ये मैंने सॉफ्टवेयर ओपन कर लिया है। तो सबसे पहले मैं बेसिक स्टार्ट करता हूँ कि यह है कि अगर आपने इस सॉफ्टवेयर में अपनी वीडियो डालनी है, जो आपने वीडियो एडिट करनी है, वो कैसे करनी है। तो यहाँ पर होगा इम्पोर्ट का ऑप्शन, रिकॉर्ड करना चाहते हैं रिकॉर्ड कर सकते हैं, ठीक है, इम्पोर्ट करना चाहते हैं इम्पोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। मैं इंपोर्ट करता हूँ, मैं कोई वीडियो उठा लेता हूँ, अभी फ़िलहाल सॉन्ग की उठा रहा हूँ, ठीक है। ये सॉन्ग यहाँ पे आ गया और आपने इसे क्लिक करना है, जो भी वीडियो हो आपने उसे यहाँ क्लिक करके यहाँ ड्रैग करके इधर उठा के डाल देना वीडियो वाले पोर्शन में, ठीक है। आपकी वीडियो यहाँ एडिट हो जाएगी, ठीक है, ये एडिट होगी। अगला आ गया टेक्स्ट, अगर आपने वीडियो में टेक्स्ट ऐड करना है तो यहाँ पे टेक्स्ट का ऑप्शन भी होगा, आप अपनी अपनी अलग अलग फॉर्मेशन इसमें ऐड कर सकते हैं, ये बहुत सी फॉर्मेशन हैं, ये तो मैं कोई एक उठा लेता हूँ। फिर उसे आपने यहाँ टेक्स्ट के पोर्शन में ऐड कर देना इस तरह, ठीक है। फिर उस पर डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप अपनी मर्जी से टेक्स्ट राइट कर सकते हैं कुछ भी, तो कुछ भी आप राइट कर लें। फिर उसके बाद अगली बारी आएगी, यहाँ आप देख सकते हैं प्रेजेंट स्टाइल हैं इस टेक्स्ट के, बहुत कूल स्टाइल हैं, जो आप लगाना चाहें आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। फिर उसके बाद राइटिंग है, यहाँ पे राइटिंग जो चूज़ करना चाहें, यहाँ पे उस पर यहाँ साइज़ है कि कितना बड़ा आपने साइज़ अप्लाई करना है, ठीक है, अब आपकी मर्ज़ी, आप इसमें जो कुछ आप ऐड करें। ये भी बताता चलूँ कि यहाँ से इटैलिक राइटिंग और यहाँ से बोल्ड, ये आपकी मर्ज़ी होगी कि आप क्या चूज़ करना चाहते हैं, ये इट्स डिपेंड ऑन योर चॉइस। तो अगले पे आते हैं, वो है इफ़ेक्ट। तो इफ़ेक्ट तो बहुत से लोगों को पता होगा, ठीक है, तो हम इफ़ेक्ट इसमें अप्लाई करते हैं, कोई भी कर लें, अब आपकी मर्ज़ी है, यहाँ बहुत से इफ़ेक्ट्स हैं, तो मैं इसमें से कोई एक अप्लाई कर लेता हूँ। तो आपने इसे वीडियो की तरह इसे ड्रैग करना है और इफेक्ट वाले पोर्शन में इसे ऐड कर देना है। तो आपको एक चीज़ बताया चलूँ कि अगर आप चाहते हैं कि ये जो मेरा टेक्स्ट या इफेक्ट है या कोई और आगे जो मैं बताने जा रहा हूँ, ये आगे सारी वीडियो, मतलब थोड़ा इसका टाइम लंबा हो जाए, ये यहाँ है ना कि जितनी वीडियो चलाएंगे इसका जितना पोर्शन होगा वहीं तक रहेगा, ये देखें, ये टेक्स्ट ख़त्म, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि इसका टेक्स्ट ज़्यादा देर तक रहे, तो आपने क्या करना है, इसके कॉर्नर पे ऐसे क्लिक रखना है, यहाँ ऑप्शन आ जाएगा बढ़ाने का, फिर यहाँ इसे जितना आपने खींचना है खींचते जाए, और ये आपका टेक्स्ट लंबा हो जाएगा, ठीक है, ये फिर उसी के हिसाब से चलता रहेगा। फिर अगर आपने इफ़ेक्ट अपना बढ़ाना है कि वीडियो का इफ़ेक्ट कब तक रहा कहाँ तक रहे, तो वो भी इसी तरह है, तो इसे ऐसे कॉर्नर पर और इसे एक्सटेंड कर दें, और ये इफेक्ट इसका वीडियो तक पड़ता रहेगा, ठीक है। फिर अगर और इफ़ेक्ट ऐड करना है तो यहाँ से और इफ़ेक्ट ऐड करें, फिर आपकी मर्ज़ी है उसे खींचे ना खींचे, ये ज़रा ब्लर्स है, ठीक है। अब अगली बारी आई पीआईपी की, पीआईपी एक इमोजीज टाइप होते हैं, ये आपको दिखा देता हूँ इसका क्या अमल दखल है। तो यहाँ आप खुद ही पढ़ के देख सकते हैं आपको किस किस्म के चाहिए, तो मैं सपोज करें एक ले लेता हूँ और उसे यहाँ PIP 1 में ड्रैग कर देता हूँ। और अगर आप चाहते हैं इसे भी बड़ा लंबा चौड़ा कुछ करना चाहते हैं, इसका टाइम थोड़ा बड़ा करना चाहते हैं, ऐसे ही कर सकते हैं। फिर उसके बाद ये जब वीडियो में ऐड हो जाता है, फिर यहाँ पे ऑप्शन आता है साइज़ का, कि आप साइज़ इसका कितना रखना चाहते हैं, तो मैं स्मॉल साइज़ कर देता हूँ, ठीक है। तो ये अब जितना होगा उतनी वीडियो तक चलता रहेगा, ठीक है।
ये देखें अब वो ख़त्म हो गया क्योंकि जितना उसका टाइम था वो उतनी देर रहा है। ठीक है, ये आपको समझ आ गई। इसमें आप एरोज़ भी ले सकते हैं, कोई चीज़ अगर आपने वाजिया करवानी हो, किसी चीज़ को प्रोमिनेंट करवाना हो, तो आप इसे एरोज़ भी ले सकते हैं। अगली चीज़ आई अब ट्रांजिशन। ट्रांजिशन ने एक वीडियो की ओपनिंग जैसे कहते हैं ना डिफरेंट स्टाइल में, वो भी आपको अब दिखा देता हूँ। जैसे मैं एक कोई ट्रांजिशन ले लेता हूँ, यहाँ से ड्रैग करके वीडियो के साथ लगा देता हूँ। ठीक है, पर आपको इसके साथ एक और वीडियो क्लिप भी होनी चाहिए क्योंकि ये ट्रांजेक्शन एक वीडियो में आप नहीं कर सकते। अगर आप एक वीडियो करना में चाहते हैं, एक वीडियो में करना चाहते हैं, तो आप वीडियो को कट करके कर सकते हैं कि वीडियो को दरमियान से कट कर लें। अब कट आपने कैसे करना है वो आपको बता देता हूँ। कट इस तरह कि आपने वीडियो पे इधर क्लिक करना है, ये सिलेक्ट हो जाएगी, फिर यहाँ पे सीजर का एक ऑप्शन आएगा, यहाँ सीजर से आपने इसे स्प्लिट कर देना है, इसे काट देना है। ठीक है, ये अलग हो गया। फिर उसके बाद आपने ये उठाना है, एक मिनट थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है। हाँ, यहाँ से आप दिखाता हूँ, ये ऐसे यहाँ पे इधर ड्रैग कर देना है। ठीक है, उसके बाद आप देखिएगा इसकी फॉर्मेशन कैसे अगली वीडियो ओपनिंग होगी, ये ख़त्म होने के बाद दिखाता हूँ आपको। थोड़ा प्रॉब्लम आ गया होगा। ठीक है, एक मिनट मैं सही कर लेता हूँ इसे। चलो ऐप ट्राई करते हैं। पता नहीं इसमें वीडियो में कोई प्रॉब्लम हो रहा होगा, एक बार फिर ट्राई कर लेते हैं, कोई आश्चर्य नहीं है। हाँ, वीडियो में थोड़ा बहुत हो जाता है कभी कभी, तो आपको बस बताने का मकसद यही था कि आप इसे मेरे में तो नहीं हो रहा, कोई प्रॉब्लम होगी मैं बाद में खुद सेट कर लूँगा, आप प्लीज़ इस पे नाराज़ ना होइएगा। तो आप खुद सेलेक्ट करके इसमें ऐड कर सकते हैं। तो अगली चीज़ आ जाती है हमारे पास, ये कार्ड्स। कि आपने वीडियो में अगर कार्ड ऐड करने हैं तो आप वीडियो में कार्ड ऐड कैसे कर सकते हैं। जैसे कार्ड ये हो गया, ठीक है, कार्ड ये हो गया, ये हो गया। तो मैं इसके बारे में बता देता हूँ। सपोज़ करें मैं कोई चूज़ कर लेता हूँ ये, और उसके वीडियो को कहीं भी वीडियो के कहीं पे लगा देता हूँ इधर। जैसे तो जैसे आपकी वीडियो जैसे एंड होगी या फिर शुरू में लगाना चाहते हैं, दरमियान में आपकी मर्ज़ी है जहाँ लगाएं। तो ये वीडियो के एंड में आप देखें कैसा इफ़ेक्ट आएगा, वो कार्ड कैसे शो होगा इस तरह। ठीक है, तो आप कार्ड पे डबल क्लिक करके इसकी सेटिंग में भी थोड़ी बहुत छेड़खानी कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आप इस कार्ड में थोड़ा टेक्स्ट लाना चाहते हैं तो वो भी ला सकते हैं। यहाँ पे कार्ड, जैसे आप कार्ड चूज़ करते हैं तो टेक्स्ट भी साथ उसके नीचे आ जाता है इधर। तो आप उसी जैसे मैंने बताया था डबल क्लिक करके आप टेक्स्ट सारा सिस्टम कर सकते हैं उसका। ठीक है, अगर अगली चीज़ आती है साउंड। साउंड में है ये, इसमें इतना मज़ा नहीं है, मतलब इसमें एक ख़ास फंक्शन ही है, छोटी मोटी चीज़ों के लिए, मतलब दो तीन उसके लिए साउंड इफेक्ट के लिए। ये नहीं है कि आपकी पूरी वीडियो में साउंड चलता रहे। अगर आप चाहते हैं कि पूरी वीडियो में साउंड चलता रहे, तो सबसे पहले आपको ऑडियो में कोई फाइल चाहिए जो आपने वीडियो में ऐड करनी है। जैसे ये तो इसमें ऑडियो भी है वीडियो भी है ना, इन वीडियो में तो आपने इंपोर्ट में जाना है, फिर इंपोर्ट में जहाँ आपने ऑडियो सेव की होगी उसे ओपन करके वो यहाँ पे आ जाएगी। फिर आपने उसे यहाँ से यहाँ पे होगा म्यूज़िक होगा, वहाँ ये एंड में म्यूज़िक है लिखा हुआ है, यहाँ पे ड्रैग कर देंगे वो। फिर आने के बाद आपकी वीडियो के साथ साथ वो भी चलता रहेगा। फिर आपकी मर्ज़ी, आप उसे एक्सटेंड करें ना करें, जितना आप खुद चलाएंगे आप खुद सीख जाएंगे, मैं बस आपको सिर्फ बेसिक सिखा रहा हूँ। तो उसके बाद बाकी स्प्लिट है, ये मैं खुद अभी तक नहीं सीखा क्योंकि ये मुझे खुद समझ नहीं आ रही। बस आज की मैंने ये बेसिक आपको सिखानी थी कि इस सॉफ्टवेयर के क्या बेसिक्स हैं, ये सॉफ्टवेयर क्या क्या कर सकता है। एडिटिंग में बहुत बेस्ट सॉफ्टवेयर है ये, मैं सबको एडवाइस करूँगा कि आप यही सॉफ्टवेयर यूज़ करें। अगर आप एक यूट्यूबर हैं मेरी तरह,
या आपको यूट्यूबिंग में आपको बहुत आगे बढ़ा सकता है, ग्रो अप कर सकता है। सो गाइस, होप दैट यू लाइक माय वीडियो। और अगर आपको वीडियो मेरी पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और अगर आपको कुछ बुरा लगा है और अगर कोई चीज़ आपको समझ नहीं आई तो आप कमेंट में कह सकते हैं बिना कोई हेजिटेशन के। सो गाइस, अब तक के लिए बाय बाय।